आर्मी एक्साइज चैंगथांग इस एक्साइज का नाम था एंड इसे कहाँ कंडक्ट करवाया गया था। चलो आपसे मैं ये पूछता हूँ, अभी आपको याद होगा, चलो ये तो इजी से रहेगा आपके लिए। लद्दाख के बारे में आप मुझे बताइए कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है राइट नाउ। आई होप एवरीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। एग्जैक्टली आर के माथुर। चलो आपसे मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू लद्दाख। लद्दाख में अभी रिसेंटली एक स्कीम स्टार्ट हुआ था जिसके तहत उन स्टूडेंट्स को 9 से 12 स्टूडेंट्स तक को टैबलेट्स प्रोवाइड किए गए थे, उस स्कीम का नाम मुझे बताइए। एग्जैक्टली रेवा स्कीम भी स्टार्ट हुआ था, योन टैब स्कीम। एग्जैक्टली एंड चलो एक और सवाल आपको पता होना चाहिए, इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर वो भी आपको लद्दाख के ले डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। एंड लद्दाख के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक ले एंड एक कारगिल। ओके क्लियर है सब, आगे बढ़ते हैं। द 16th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, तो ये आपको पता रहना चाहिए, ऑलरेडी मैं आपको बता दिया। अब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी इंडियन स्टेट में हुआ था युद्ध युद्ध अभ्यास, दिस इज द क्वेश्चन। एग्जैक्टली राजस्थान में हुआ था, जोधपुर राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड फ्रेंच रफाल फाइटर जेट्स हैज कैरिड आउट ए वॉर गेम्स कोड नेम स्काई रोज, ये एक्साइज हुई थी कहाँ पे हुई थी ये आपने बताना है। एग्जैक्टली आंसर आ रहे। नाउ एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए, ठीक है ये सबने बता दिया। अब मुझे बताइए कि रफाल हमने फ्रांस से लिए हैं, सभी लोग जानते हो। अब ये मुझे बताइए कि रफाल फाइटर जेट्स कौन सी कंपनी द्वारा बनाए गए, फ्रांस की ही कंपनी है। कमेंट डाउन द नेम ऑफ द कंपनी जो रफाल मैन्युफैक्चर कर रहा है। वेटिंग फॉर द आंसर, लेट्स सी हाउ मैनी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। आई वॉन्ट फुल नेम। ओके कोशिश कीजिए। एग्जैक्टली कुछ आंसर आ रहे हैं, डेट्रॉस डिसॉल्ट। एग्जैक्टली डिसॉल्ट एविएशन इज द नेम ऑफ द कंपनी जो जिसने रफाल को मैन्युफैक्चर किया, तो ये आप याद रखिए। ओके एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री ज्वाइंट द मालाबार ट्राइलेटरल नेवल एक्साइज, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दिस कंट्री हैज ज्वाइंट दिस ट्राइलेटरल एक्साइज जिसमें इंडिया जापान एंड यूएस पार्टिसिपेट कर रहे थे। सो यू हैव टू आंसर विच कंट्री हैज पार्टिसिपेटेड फॉर दिस इन दिस एक्साइज। एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो चलो आप मुझे ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो आप लोग जानते हो, प्राइम मिनिस्टर आप जानते हो स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज द करेंसी। नाउ कमेंट डाउन, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी आप जानते हो कैनबरा। नाउ मुझे ये बताइए कि हु इज इंडियाज एम्बेस टू ऑस्ट्रेलिया, इंडियाज एम्बेस टू ऑस्ट्रेलिया। संधू इज नॉट द करेक्ट आंसर, पवन शर्मा का करेक्ट आंसर, श्रीनिवास का, मनप्रीत वोरा इज द इंडियाज एम्बेस टू, मनप्रीत वोरा इंडियाज एम्बेस टू ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया तो हाँ ही है, एक और कंट्री के साथ साथ सर्व कर रहे हैं। कमेंट डाउन द नेम ऑफ द अदर कंट्री। एग्जैक्टली मनप्रीत वोरा इज द करेक्ट आंसर, ही इज सर्विंग एज इंडियाज एम्बेस टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज अदर कंट्री। कमेंट डाउन दूसरा कंट्री कौन सा है, लेट्स सी इज देयर एनीवन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ओके 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 मेक्सिको। ओके एनीवन एल्स, ब्रिस्बेन। ओके डोंट नीड टू वरी, मैं इसका आंसर आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताता हूँ। द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी रिसेंटली कंडक्टेड ए 2 डे एक्साइज विद द नेवी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन विच प्लेस, तो कहाँ पे ये एक्साइज हुई थी ये बताइए। इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने एक एक्साइज कंडक्ट की थी द नेवी ऑफ यूएस, कौन सी प्लेस में ये बताना। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडियन ओशन। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड ए मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्साइज शांतिर उग्रो सेना, शांतिर और ग्रो सेना इस एक्साइज को कंडक्ट कौन सी कंट्री द्वारा करवाया गया था। एग्जैक्टली आंसर्स आ रहे हैं,
करेक्ट आंसर आ रहे मैक्सिमम. एग्जैक्टली बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते. वरुणा नेवल एक्साइज विल बी हेल्ड बिटवीन लाइक ये हो गई है बेसिकली अप्रैल मंथ में हुई थी. इंडिया फ्रांस एंड विच कंट्री इन पर्शियन गल्फ एरिया. तो कौन कौन सी कंट्रीज में इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, फ्रांस ने किया था, एक और कंट्री थी आपको बताना है. एग्जैक्टली यूएई इज द करेक्ट आंसर. स्पेशल फोर्सेस एक्साइज खंजर. दिस इज अ स्पेशल फोर्स एक्साइज इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. एग्जैक्टली कजाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर. इंडियन आर्मी एंड द पुलिस ऑफ विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज एंटी टेरर एक्साइज सुरक्षा कवच. एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. द ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज दस्त लिख सेकेंड हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन उत्तराखंड. उत्तराखंड में हुई, बताना आपने कौन सी कंट्री के साथ हुई एक्साइज. एग्जैक्टली उज्बेकिस्तान इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बोंगो सागर इज अ जॉइंट नेवी एक्साइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. एग्जैक्टली आंसर्स करेक्ट आ रहे, मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट आ रहे. बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. ला पेरोस इज अ नेवल एक्साइज एंड इसे ऑर्गेनाइज करवाया जा चुका है, इट हैज बीन ऑलरेडी ऑर्गेनाइज. इसे कौन सी कंट्री द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था एंड इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था. एग्जैक्टली फ्रांस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड इसमें कुछ डिटेल्स भी मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ. इंडियन नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, बे ऑफ बंगाल में हुई थी एंड इसमें क्वाड कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये आप याद रखें. विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट मिलिट्री एक्साइज इन स्पेस एस्ट्रेक्स. दिस इज द फर्स्ट मिलिट्री एक्साइज इन स्पेस एस्ट्रेक्स. Correct answer for this question is Russia is not the correct answer, guys. Maximum answer Russia कर रहे, but Russia is not the correct answer. The correct answer is France. Exactly, France is the correct answer. Which among the following organization has organized announced to conduct PUBG anti-terror exercise? So, कौन सी organization द्वारा announced किया गया to conduct PUBG anti-terror exercise? NATO is not the correct answer. Exactly, SCO is the correct answer for this question. Shanghai Corporation द्वारे से like announce किया गया anti-terror exercise, PUBG anti-terror exercise. Okay, and ये तशकांत में हुई थी. Exercise Desert Night. इस बारी का एडिशन ये राजस्थान में हुआ. आपको ये बताने को कौन सी कंट्रीज के बिटवीन है, ये एयर एक्साइज है. एग्जैक्टली बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. एग्जैक्टली इंद्रधनुष वी 2020 ये एक्साइज बिटवीन इंडिया एंड यूके बायलेटरल एयर एक्साइज है बिटवीन एयर फोर्सेस. ये हुई थी हिंदन. आपको बताने की कौन सी स्टेट में, हिंदन इन विच इंडियन स्टेट. उत्तराखंड इज नॉट द करेक्ट आंसर गाइस. ये हुआ था जी बिटवीन इंडिया एंड यूके इन उत्तर प्रदेश. यूपी इज द करेक्ट आंसर. एग्जैक्टली यूपी इज द करेक्ट आंसर. डोंट नीड टू वरी, आंसर्स गलत होते हैं तो तभी आप सीखते हो. सिम्बेक्स
This is a bilateral maritime exercise between India and which country? So this is the exercise between India Singapore. एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। हाँ, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ आपको स्टडी मटेरियल कॉलम में मिलेगा। नाउ देखो, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सारे कवर करवाए। नाउ अब क्या करेंगे हम, जो कल क्वेश्चंस मैंने आपसे शेयर किए थे, जो भी क्वेश्चंस आपसे मैंने आपसे इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट लिया था, तो आज फिर से पांच क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स सी हाउ मैनी कैन आंसर दिस क्वेश्चन, एंड इनके लिए आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स सी कि आप लोग कितना रिवाइज करते हो एंड कितने स्टूडेंट्स इसके आंसर कर पाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? श्रीनिवास का आंसर आ चुका है एंड बाकी आंसर्स भी आ रहे हैं। एग्जैक्टली तरुण बजाज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट चीफ? एग्जैक्टली शबीर खांडवा वाला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मिशन डायरेक्टर फॉर अटल इनोवेशन मिशन? एग्जैक्टली चिंतन वैष्णव इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च? एग्जैक्टली पूनम गुप्ता इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज? एग्जैक्टली रेखा मेनन इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज, चलो लेट मी इंक्लूड वन थिंग एक्स्ट्रा, इफ यू वॉन्ट देन आई विल। सो हाउ मैनी यू वॉन्ट कि अभी मैं अभी जस्ट नाउ आपका मैं बुक्स एंड ऑथर्स का मैं रिवाइज करवा दूँ? आई विल ट्राई कि मैक्सिमम बुक्स मैं कवर करवा पाऊँ। इफ़ यू हैव टाइम, इफ यू आर विलिंग टू वॉच, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, अगर आपके पास आपके शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा, देन आई विल ट्राई टू लाइक रिवाइज योअर इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। सो सबसे पहले तो मुझे जितने भी स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं, कमेंट डाउन येस, देन वी विल फर्दर प्रोसीड। ओके 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 ओके। देखो ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगा, मैं जो भी रहेगा मैं शॉर्ट में कोशिश करूंगा। ओके देखो, दिस वॉज नॉट प्लान्ड बाय मी कि मैं ये कवर करवाने वाला हूँ, बट इफ स्टूडेंट्स आर विलिंग देन वी विल श्योरली कवर, आई विल ट्राई टू कवर। ओके सो लेट मी ओपन दैट स्लाइड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देखो पूरा प्रोसीजर रहेगा आपके सामने है, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपके कुछ हेल्प करवा पाऊँ। ओके वेट, देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया दिस वॉज नॉट कि प्लान बाय मी कि इसे करना है, बट स्टूडेंट्स आर विलिंग देन वी विल श्योरली ट्राई टू कवर दैट थिंग। ओके देखो, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। आई होप कि ये स्लाइड हमारा ओपन हो जाए, काफी बड़ा है। ओके 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 ओके
हाँ बिल्कुल, पीडीएफ आई विल ट्राई कि मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर पाऊँ। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू दिस पीडीएफ टू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट डाउन कि क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है या नहीं। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, कमेंट डाउन कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है या नहीं। ओके, स्क्रीन इज विजिबल नाउ। आई एम गोइंग टू ओपन दैट स्पेशल पीडीएफ। ओके, बट द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट एबल टू रीड योर कमेंट्स। लेट मी ओपन। ओके, देखो क्यूक रिविजन में करवाऊंगा आपका एंड फॉर श्योर काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर एंड आपको हमारा स्लाइड। ओके, आपका क्यूक रिविजन होने वाला है, डोंट नीड टू वरी। एंड जैसे मैंने आपको बताया, दिस वॉज नॉट प्लान बाय मी कि मैं ये शेयर करने वाला हूँ, बट फॉर श्योर आई एम गोइंग टू शेयर दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट डाउन कमेंट डाउन क्या ये स्लाइड आपको प्रॉपरली दिख रहा है, ई बुक वाला। एक बारी मुझे प्लीज़ बता दीजिए। ओके, एक बारी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, ई बुक वाला स्लाइड आपको प्रॉपरली दिख रहा है या नहीं। ओके 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 ओके, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, देखो दिस इज अ स्पेशल पेड पीडीएफ जो आपको ऑलरेडी मिल ही रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू सर्च books and authors and after searching let me search just authors. Now with this while searching this word books and authors ke related jitne bhi questions rahenge hamare last 6 month ke wo abhi aapke samne aa jane wale. Okay, you just have to wait for 1 minute and uske baad jitne bhi questions aapke last 6 month ke books and authors ki category ke banenge wo aapke yahan pe aa jayenge। एंड मैं कोशिश करूंगा कि जितने जल्दी हो सके मैं सारे क्वेश्चंस आपके रिवाइज करवा पाऊँ। ओके, सो लेट मी जस्ट हैव टू वेट फॉर सम टाइम सो डेट कि हमारे पास बुक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पे आ जाए। देखो नंबर्स बढ़ रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हो, इतनी चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। अब लेट सी कि कितने बुक्स एंड ऑथर्स का सारा कंपाइल डेटा आपके सामने आ जाएगा। ओके, देखो अब इतने सारे रिजल्ट्स हैं, वी विल ट्राई कि आपको मैं मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके ओके ओके, यू कैन सी द नंबर लास्ट 6 मंथ के 201 रिजल्ट्स आ चुके हैं। लेट मी गो टू टू द नंबर वन एंड जितने भी वर्ड्स रिलेटेड टू बुक्स एंड ऑथर्स आ चुके हैं, ट्रस्ट मी आफ्टर वॉचिंग दिस डोंट नीड टू वरी अबाउट कि आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप होगा। बट वी विल ट्राई कि मैं आपके डिफरेंट पार्ट्स में करवाऊँ। एक पार्ट में मैं अगर मैं सारा करवा दिया तो फॉर श्योर आपको चीज़ें रिटेन नहीं होंगी। सो फ्रॉम नंबर फर्स्ट वी विल ट्राई टू स्टार्ट दिस सेक्शन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स मार्क्ड मिलेंगे, बट डोंट नीड टू वरी। आप एक बारी जल्दी से गो थ्रू कीजिए, अब नंबर्स की टेंशन मत लीजिए कि नंबर आगे पीछे लिखें, जो भी है क्लियर है आपके सामने। एंड सबसे पहले कमेंट कीजिए कि एवरीथिंग इज क्लियर एंड
आफ्टर दिस मैं आपकी कमेंट्स नहीं पढ़ा पाऊंगा एट द एंड ऑफ द डे, मतलब मैं सारी चीज़ें आपके साथ फिर डिस्कस करूंगा. क्लियर है सारा कुछ? ओके क्लियर है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर. नाउ स्टार्ट. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने देख लिया आपकी स्क्रीन पे. सो इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स पास्ट एंड प्रेजेंट, इस बुक के ऑथर है शिव शंकर मेनन. ट्रस्ट मी क्वेश्चन आएगा दिमाग में, एक बार आपने पढ़ा भी होगा फॉर श्योर आप चीज़ें रिटेन कर पाएंगे. तो आंसर देख लीजिए, आंसर मार्क मिलेंगे. सो ऑथर ऑफ दिस बुक इज शिव शंकर मेनन. आगे बढ़ते हैं. ओके एक कैंपेन देखो, मैंने ऑथर्स टाइप किया तो ऑथर्स के रिलेटेड जो भी है वो हो जाएगा. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है उनके द्वारा एक स्कीम स्टार्ट किया गया था, इनके द्वारा नहीं रमेश पोखरियाल द्वारा करवाया गया था, बट नाउ की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंटली धर्मेंद्र प्रधान है. हमारे यंग एंड बडिंग ऑथर्स को ट्रेन करने के लिए जो भी 30 ईयर्स की एज से बिलो हैं, तो युवा एक स्टार्ट किया गया था प्रोग्राम. तो युवा का मतलब है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, याद रखें. आज हम 50 तक लेके जाएंगे इस नंबर को. ओके देखते हैं कितना होता है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ? सलमान रुश्दे इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, ये आप याद रखें. ओके आगे बढ़ते. द बुक टाइटल स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ इज ऑथर्ड बाय, तो ये बुक किसकी है? तो ये बुक है जी हमारे रवि शास्त्री जी. ओके उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइम एंड एन स्केयर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट? विजय गोखले इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये बुक्स एंड ऑथर्स मैं आपके करवा रहा हूं. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम? तो इस बुक के ऑथर है विनोद कपड़ी. ओके होम इन द वर्ल्ड ये बुक किसकी है? ये रिसेंट बुक है अभी, अमर्त्य सेन, ये आप याद रखें. बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोइम्स से नवीन पटनायक द्वारा रिलीज किया गया, इस बुक के ऑथर कौन है? विशुपादा सेठी इज द करेक्ट आंसर. ओके अल्टीमेट गोल बुक के ऑथर है विक्रम सूद, ये आप याद रखें. डोंट नीड टू वरी, आपको PDF में प्रोवाइड करने की कोशिश जरूर करूंगा. इट्स अ वंडरफुल लाइफ ये बुक है रस्किन बॉन्ड की, ये आप याद रखें. ओके मुफ्ती फियाज उल वहीद जिन्होंने पहली बारी कुरान को गोजरी में ट्रांसलेट किया था, ये ऑथर थे जम्मू एंड कश्मीर के, तो इनका निधन हुआ था, याद रखें मुफ्ती फियाज उल वहीद. वैसे एक चीज मैं जरूर आपसे कहूंगा, देखो ये स्पेशल जो PDF आपके लिए पेड PDF है बेसिकली, जो 99 रुपीज़ में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. तो एक चीज़ और मैं ज़रूर कहूँगा कि एक स्टूडेंट्स को एक तरीका होना चाहिए, लाइक किस चीज़ को किस तरीके से, जैसे मैंने आपको ये प्रोसीजर बताया, आपको कोई भी टॉपिक जैसे आप स्पेशल ई बुक ले लेंगे, देन आप मोबाइल पे या फिर अपने डेस्कटॉप पे कंट्रोल एफ करके उस टॉपिक को मैनेज कीजिए एंड लास्ट 6 मंथ के जितने भी उसके रिलेटेड रहेंगे, जैसे मैंने बुक्स एंड ऑथर्स आपके सामने कर रहा हूँ, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी. ओके तो ये भी एक तरीका होता है, आप यह भी देख लीजिए. तो बिहार टू तिहार इस बुक के ऑथर हैं कन्हैया कुमार. ओके देखो सारे मैंने कंपाइल्ड किया हुआ है सारी चीज़ों को, जल्दी से आपका रिवाइज करवा ही रहा हूँ. ये स्पेशल हमारा PDF है जो आपको, अगर आप चाहते हो तो आपको मैं व्हाट्सएप पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं शेयर ही कर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो फॉर दिस स्पेशल ई बुक. ऑलरेडी आप हमारे YouTube चैनल पे विजिट करेंगे किसी भी वीडियो पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. द स्टार्टअप वाइफ इस बुक के ऑथर कौन है? तो ता मीमा अनम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आप जैसे सामने देख रहे हो सारे क्वेश्चन हमारे बुक्स एंड ऑथर्स के रिलेटेड ही हैं आपकी स्क्रीन पे, तो आप इस तरीके से भी एक तरीके से आप मतलब इस प्रोसीजर से भी सारी चीज़ों को एक साथ कंपाइल करके पढ़ सकते हो. तो ये स्पेशल डिज़ाइन इसी तरीके से किया है, एंड ये ट्रस्ट मी दिस इज द प्रोसेस जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिविजन. ओके ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक
व्हाट्सएप विद मी, तिस्का चौधरी इसका करेक्ट आंसर है, आंसर्स आपको मिलेंगे यहीं पे। ओके, द सेवन साइंस ऑफ बीइंग ए मदर, ताहिरा कश्यप इस बुक के ऑथर हैं। आई बिलीव कि आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, बट इस तरीके से भी आप क्यूक रिविजन में शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में इतना आपको करवा सकता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हमारे बुक्स एंड ऑथर्स के रिलेटेड हैं। अयोध्या बुक के ऑथर आप याद रखें माधव भंडारी। इस स्लाइड में देखिए आपको ये कुछ बुक्स मिलेंगे, जैसे बुके ऑफ फ्लावर्स इस बुक के ऑथर हैं कृष्णा सक्सेना। एलिफेंट इन द वॉम, अभी रिसेंटली ये बुक पब्लिश की गई थी। कैकली कोइचलिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो गाइस, वॉइस इज नॉट क्लियर आई थिंक। ओके, सो देखो ऑलरेडी जो हमारा मेन टॉपिक था वो तो हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। ये तो एक मैंने शॉर्ट स्पैम को वीडियो आपको बताया। नाउ ई बुक के पेजेस कितने हैं? देयर आर अराउंड 2000 पेजेस इन दिस ई बुक। तो आपको इसका प्रिंट आउट नहीं लेना, डोंट नीड टू कि आपको इसका पीडीएफ प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट नहीं निकालना। आप डिस्क्रिप्शन से यूट्यूब हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, आज के वीडियो पे भी आप विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको लिंक मिलेगा स्पेशल ई बुक का। एंड गाइस ट्रस्ट मी, फॉलो दिस पैटर्न। मिलिट्री एक्सरसाइजेस आपको रिवाइज करनी है, सर्च मिलिट्री एक्सरसाइजेस सारे आ जाएंगे। बुक्स एंड ऑथर्स रिवाइज करने, बुक्स एंड ऑथर सर्च कीजिए, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट सर्च कीजिए, कंट्रोल एफ करके इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आ जाते हैं, जितने भी आपके रहेगा सब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होगा बिल्कुल अवार्ड्स के, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अवार्ड्स के रिलेटेड ही लाऊंगा। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जितने भी होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। सो बस आज के वीडियो को इतना ही करते हैं, हमारा मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस का हो चुका है खत्म। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लास का जो भी रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो गाइस थैंक यू, उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया। क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, एंड इसका पीडीएफ, वीडियो को लाइक शेयर तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, बट स्टिल आपको क्या करना क्या, आप कल की क्लास का वेट कीजिए, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में मैं आपके साथ वहाँ पर शेयर करूंगा। सो गाइस थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट क्लास। एंड आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगा।